हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था आयुएन जन्म ले चुका था। अब यानली और जेंगछा अपने नेफ्यू से मिलने के लिए आते हैं। वो विंग और वांगजी को कंग्रेचुलेशंस विश करते हैं। यानली की गोद में आयुएन था और उसके आसपास जेंगछा और जंग फेंगम्यान बैठे हुए थे। मैडम यू नहीं आई थी। जंग फेंगम्यान विंग से कहता है, तुम्हारी आंट आना चाहती थी लेकिन उन्हें कोई ज़रूरी काम था, उन्होंने तुम्हें कंग्रेचुलेशंस विश किया है। विंग को ऑलरेडी पता था कि मैडम यू उससे मिलने के लिए नहीं आएगी। जेंगछा आयुएन को देखकर कहता है, ये कितना स्मॉल है। तो विंग कहता है, वो एक बेबी है जेंगछा, और बेबीज स्मॉल ही होते हैं, तुम क्या सोच रहे थे। तभी जेंगछा कहता है, ये कितना कमज़ोर भी है, मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सा हेल्दी होगा। तभी वांगजी कहता है, आयुएन का जन्म ड्यू डेट से 2 हफ्ते पहले ही हो गया था, तो हो सकता है धीरे धीरे वो और वेट पुट ऑन कर लेगा। जांग फेंगम्यान कहता है, आयुएन काफ़ी काम बेबी लग रहा है, शायद वो तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करता होगा आशियन। विंग कहता है, हाँ आयुएन सच में एक स्वीट हार्ट है, वो बहुत कम ही रोता है। जब उसे भूख लगती है या फिर उसे डायपर चेंज करवाना होता है वो केवल तब ही रोता है, और जैसे ही मैं या लंजा उसे गोद में लेते हैं तो तुरंत चुप भी हो जाता है। यानली कहती है, ये तो बहुत स्वीट है, तुम्हें फादर बनना कैसा लग रहा है वांगजी। वांगजी कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऑलरेडी अपने सन से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ कि उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब जांग फेंगम्यान लान चिरैन से कहता है, चिरैन शायद तुम भी आजकल आशियन और वांगजी के साथ बहुत इन्वॉल्व हो गए हो। चिरैन कहता है, हाँ मैं अक्सर इन्हें विजिट करने के लिए आता हूँ ताकि इनकी मदद कर सकूँ। विंग कहता है, कभी कभी तो अंकल कुकिंग और क्लीनिंग भी करते हैं, वो मुझे तो किचन में कदम ही नहीं रखने देते। तभी चिरैन कहता है, हम फैमिली हैं आशियन, और ये टाइम तुम दोनों की लाइफ का बहुत स्पेशल समय है, तो तुम दोनों को साथ में बिताना चाहिए। और तुम्हारी डिलीवरी वैसे भी टाइम से पहले हुई थी, तो इसलिए तुम्हारी बॉडी को रिकवर होने की भी ज़रूरत है। उस रात लैंड चिरैन की आँखें खुलती हैं जब उसे अपने ग्रैंड नेफ्यू के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब चिरैन लिविंग रूम में जाता है तो वो देखता है वांगजी सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी गोद में रोता हुआ आयुएन था। वांगजी आयुएन को चुप कराने की कोशिश कर रहा था और बार बार उसे गोद में घुमा रहा था। वांगजी उससे स्वीटली कह रहा था, लिटिल वन, मुझे पता है कि तुम्हें अभी विंग की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी सो रहा है, उसे एनर्जी की ज़रूरत है जिससे वो तुम्हें ठीक से फीड कर सके। चिरैन उसकी बातें सुन रहा था और बहुत इमोशनल फील कर रहा था। चिरैन तुरंत उसके पास जाकर सॉफ्टली कहता है, वांगजी ये रो क्यों रहा है। वांगजी कहता है, अंकल मुझे नहीं पता था कि आप जागे हुए हैं, मैंने अभी बस आयुएन के कपड़े चेंज किए थे, विंग ने बस अभी ही उसे फीड कराया था, आयुएन बस थोड़ा बेचैन फील कर रहा है, वो रोने लगा तो मैं उसे बाहर लेकर आ गया, मैं नहीं चाहता था कि विंग जाग जाए। चिरैन कहता है, तुमने सही सोचा वांगजी, विंग को भी आराम की ज़रूरत है। वो अपने पास से एक टॉय निकालकर वांगजी से कहता है, तुम इसे आयुएन को देकर देखो, शायद वो शांत हो जाएगा। आयुएन तुरंत उस प्लास्टिक टॉय को हाथ में ले लेता है और रोना बंद कर देता है। वांगजी कहता है, थैंक यू अंकल, लगता है आयुएन को ही अच्छा लगा। चिरैन कहता है, मुझे लगा ही था, क्योंकि तुम और तुम्हारे भाई दोनों को ये बहुत पसंद होता था जब तुम आयुएन के एज के थे, मैं वहाँ से सुन रहा था तुम आयुएन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तुम उससे इसी तरह बात करते हो। वांगजी एकदम से शाय फील करने लगता है और चिरैन से कहता है, मैंने कहीं रीड किया था अंकल, अगर हम बेबी से इस तरह बात करने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी ही बोलना सीख जाता है। जब आयुएन विंग के टमी में था तब भी मैं उससे बहुत बातें किया करता था, मुझे और विंग को लगता है कि शायद उसे मेरी आवाज़ कम्फर्टिंग लगती है। चिरैन कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो वांगजी। वांगजी आयुएन की चिक्स को पिंच करते हुए कहता है, अंकल कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि ये रियल है, ये मेरा बेबी है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही स्मॉल क्यूट बेबी रहे जिससे मैं हमेशा इसे प्रोटेक्ट कर सकूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि ये जल्दी से बड़ा हो जाए और मैं देखना चाहता हूँ कि ये बड़े होकर क्या बनेगा। चिरैन मुस्कुराते हुए कहता है, वो बड़े होकर बिल्कुल अपने पेरेंट्स पर ही जाएगा। तुम सच में एक इनक्रेडिबल फादर हो वांगजी, अब तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, आयुएन सो चुका है,
उसे उसकी क्रेडल में सुला दो और विंग के पास जाकर लेट जाओ, वरना तुम्हारा वो हस्बैंड सुबह उठकर मुँह बनाने लगेगा अगर वो तुम्हारी बाहों में नहीं जागेगा तो। अब 3 साल बीत चुके थे, लिटिल बेबी आयुएन 3 साल का हो गया था और विंग ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज में वो अपने नए दोस्त बनाता है जिनका नाम मुशन्यू और वेनिंग था। मुशन्यू विंग से कहता है, वेवुशन क्या तुम हमारे साथ लंच पर नहीं चलोगे? विंग कहता है, सॉरी लेकिन लंजा मुझे पिक करने के लिए आ रहा होगा। मुशन्यू कहता है, लंजा वही अल्फा है ना जो तुम्हें कल भी पिक करने के लिए आया था? क्या ये वही अल्फा है जिसने तुम्हें वो क्लेमिंग बाइट दिया है? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो मेरा लंजा है, मेरा हस्बैंड है। मुशन्यू शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम बस 21 साल के हो और तुमने शादी कर ली, तुम्हें अपना ये अल्फा हस्बैंड मतलब ये लंजा मिला कहाँ था? विंग हंसते हुए कहता है, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं लेकिन मैं और लंजा खुश हैं और हम दोनों हाई स्कूल में मिले थे। वेनिंग कहता है, वाओ ये तो बहुत रोमांटिक है, इसका मतलब तुम दोनों हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स थे और तुम दोनों की शादी कब हुई? विंग कहता है, 3 साल पहले जब हम 18 साल के थे। मुशन्यू और वेनिंग विंग को स्कूल के बाहर ड्रॉप करने के लिए आते हैं जहाँ विंग का हस्बैंड ऑलरेडी पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ था। विंग तुरंत भागते हुए जाता है और अपने हस्बैंड के गले लग जाता है। बांगजी की गोद में आयुएन था। विंग उससे कहता है, तुम आयुएन को भी अपने साथ लाए हो? वांगजी विंग को लिप्स पर किस करते हुए कहता है, हाँ मैंने आते वक्त उसे अंकल के घर से पिक कर लिया। तभी 3 साल का क्यूट आयुएन विंग को कहता है, मामा मैंने आपको बहुत मिस किया। विंग उससे कहता है, माय लिटिल रेडिश मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और वो उसके फेस पर हर जगह किस करता है। मुशन्यू और वेनिंग अभी भी वहाँ खड़े थे। विंग कहता है, मैं भूल ही गया लंजा, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। विंग मुशन्यू और वेनिंग से कहता है, यही मेरा लवली हस्बैंड लंजा है और हमारा क्यूट सन लैन आयुएन। शन्यू कहता है, तुम्हारा बेटा भी है? सडनली अब मुझे सारी बातें समझ आ रही हैं। विंग कहता है, तो ये एक और भी रीज़न था जिस वजह से मैंने और लंजा ने इतनी यंग एज में शादी की। मुशन्यू कहता है, मैं समझ गया लेकिन तुम्हारा किड बहुत क्यूट है, तुम कॉलेज आते हो और अपने 3 साल के बेबी को भी पाल रहे हो, तुम सच में बहुत इम्प्रेसिव हो, मैं तो खुद का अपना ख्याल भी नहीं रख पाता। तभी वांगजी विंग की वेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, विंग बहुत क्लेवर है और मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा है। विंग ब्लश करने लगता है और मुशन्यू से कहता है, और हमारे फैमिली मेंबर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं, लंजा के अंकल वो आयुएन का बहुत ख्याल रखते हैं। मुशन्यू कहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास फैमिली सपोर्ट है, अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता, हाई स्कूल से पहले प्रेग्नेंट हो गया होता तो मेरे घर वाले तो मुझे जान से ही मार देते। तभी वेनिंग कहता है, तुम्हारी फैमिलीज में इनिशियली इश्यूज रहे होंगे लेकिन जब ये क्यूट लिटिल बेबी ने जन्म लिया होगा तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई होंगी। विंग और वांगजी क्यूट आयुएन को लेकर घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शन्यू वेनिंग और विंग जब साथ में लंच कर रहे थे तो मुशन्यू कहता है, अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों 18 साल की उम्र में ही तुमने वांगजी के साथ सब कुछ करने का सोचा होगा, उसकी तरफ ज़रा देखो तो वो कितना हॉट अल्फा है। विंग उससे कहता है, शन्यू मेरे हस्बैंड की तरफ नज़र भी मत उठाना। मुशन्यू हंसने लगता है और उससे कहता है, मैं बस कह रहा हूँ मुझे किसी का घर तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी बात उसे देखकर लगता है कि उसकी नज़रें सिर्फ हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती होंगी। विंग कहता है, मैंने लंजा के साथ वो सब कुछ इसलिए नहीं किया था कि मैं बेबी के नाम पर उसे फंसा सकूं, मैं बस उससे बहुत प्यार करता हूं और उसी के साथ रहना चाहता हूं। आयुएन एक हैप्पी लिटिल एक्सीडेंट था जिसको लेकर हम दोनों ही बहुत खुश हैं। वेनिंग कहता है, तो तुम नेक्स्ट बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो? विंग कहता है, ऑफकोर्स हमें और भी बेबीज चाहिए लेकिन तब तक तो नहीं जब तक मैं अपना कॉलेज फिनिश नहीं कर लेता। तभी मुशन्यू चिढ़ते हुए कहता है, तुम फादरहुड कॉलेज प्रेगनेंसी ये सब कुछ एक टाइम पर कैसे मैनेज कर पा रहे हो, फिर भी तुम्हारे इतने अच्छे ग्रेड्स हैं। विंग कहता है, क्या तुम भूल गई लंजा ने क्या कहा था, मैं एक मल्टीटास्कर हूं। मुशन्यू कहता है, मुझे लगा था शायद वो बेड की बात कर रहा होगा कि तुम बेड में एक मल्टीटास्कर हो। विंग उसे कहता है, मुशन्यू अपना मुंह बंद रखो। जब विंग घर वापस आता है आयुएन बेड पर सोया हुआ था। विंग वांगजी के नेक में हाथ डालता है और उससे कहता है, आज मैं अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। वांगजी भी विंग की वेस्ट को पकड़ लेता है
और अपने हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर ले जाने लगता है और उससे कहता है, तुम उन सबसे मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे। उइंग वांगजी की टाई को पकड़ के उसे सोफे पर खींच लेता है और उससे कहता है, ऑफ कोर्स मैं उन सबसे तुम्हारी तारीफ कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कैसे कह सकता हूँ लंजा। मेरे फ्रेंड्स बहुत इम्प्रेस थे और थोड़े से जेलस भी थे कि मुझे इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है। वांगजी के ईयर्स फिर से बुरी तरह रेड हो जाते हैं तो वुइंग कहता है, और गगा क्या अब तुम शाय फील कर रहे हो। वांगजी उससे कहता है, और क्या क्या बातें कही थी तुमने मेरे बारे में, और उसके हाथ अभी भी वुइंग की शर्ट के अंदर थे। वुइंग कहता है, वो सब कह रहे थे कि मैंने जैकपॉट जीत लिया है, जो मुझे इतना गॉर्जियस अल्फा मिला है जो सिर्फ मेरी बेडरूम की नीड्स को ही पूरा नहीं करता बल्कि एक रोमांटिक जेंटलमैन है। तुम्हें क्या लगता है लंजा, क्या वो सही कह रहे थे। वांगजी वुइंग को नेक पर उसी जगह किस करने लगता है जहां उसने 3 साल पहले क्लेमिंग बाइट दिया था और उससे कहता है, क्या मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वांगजी उसके नेक पर सेंसिटिव स्किन पर सक करने लगता है। वुइंग कहता है, लंजा मेरे दोस्त सही कह रहे थे, मैं सच में बहुत लकी हूँ। वांगजी अब उसे गोद में उठाते हुए कहता है, क्या मैं अपने हस्बैंड को हमारे बेड पर ले जा सकता हूँ। वुइंग तुरंत हाँ में सिर हिला देता है। वो दोनों आयुएन को उसके क्रेडल में सुला देते हैं और उन दोनों की हॉट नाइट शुरू हो जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया था वुइंग ने अपने क्यूट बेबी के साथ वांगजी के वर्क प्लेस पर भी जाना शुरू कर दिया था। वांगजी के कलीग्स अक्सर इस यंग फैमिली को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। वुइंग एक दिन घर पर बोर्ड और रेस्टलेस फील कर रहा था तो वो आयुएन को लेकर वांगजी के वर्क प्लेस पर पहुँच जाता है। वांगजी को देखते ही आयुएन तुरंत वांगजी की तरफ भागने लगता है। वुइंग मुंह बनाते हुए कहता है, तो तुम्हें अब तुम्हारे बाबा चाहिए। लंजा तुम्हारा बेटा बहुत नॉटी हो गया है, शायद मैं उसके लिए अब काफ़ी नहीं हूँ, मेरा खुद का बेबी मुझे रिजेक्ट कर रहा है, कितनी क्रूर बात है। वांगजी तुरंत वुइंग के लिप्स पर किस कर लेता है और आयुएन को गोद में उठा लेता है। वुइंग उसे कहता है, लंजा सब देख रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर वुइंग जब भी वांगजी के वर्क प्लेस पर जाया करता था तो अल्फाज जो कंपनी में न्यू मेंबर हुआ करते थे वो वुइंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे अगर वो वुइंग को अकेला देख लेते थे तो। वुइंग हॉट ड्रिंक्स लेने के लिए मशीन की तरफ जा रहा था तभी एक अल्फा उसके पास आता है। वो अल्फा वुइंग से पूछता है, क्या तुम यहाँ वर्क करते हो। वुइंग कहता है, नहीं मैं यहाँ अपने हस्बैंड को विजिट करने के लिए आया हुआ था। वो अल्फा सरप्राइज होते हुए कहता है, हस्बैंड को, तो तुम मैरिड हो। तभी उसकी नज़र वुइंग के नेक पर पड़ती है जहाँ क्लेमिंग बाइट था। तभी वांगजी आयुएन को गोद में लिए वहाँ पहुँच जाता है और उससे कहता है, हाँ वो मैरिड है। वुइंग कहता है, लंजा तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए, मैं तुम्हारे लिए हॉट ड्रिंक्स लेने के लिए आया था। वांगजी उसे उसी अल्फा के सामने जिसका नाम वेंचाओ था गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू स्वीट हार्ट, आयुएन को भी भूख लग रही थी, हमें जल्दी ही लंच के लिए चलना चाहिए। वुइंग आयुएन के चीक्स खींचते हुए कहता है, बेबी तुम्हें भूख लगी है क्या, फिर हम लंच के लिए चलते हैं और गगा फिर मुझे वापस घर भी जाना है। तभी वांगजी उस अल्फा यानी वेंचाओ से कहता है, क्या तुम्हें मेरे हस्बैंड से कुछ काम था। वेंचाओ कहता है, नहीं मैं तो बस ड्रिंक लेने के लिए आया था। वांगजी वुइंग की वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और जानबूझकर उसे इंटीमेट टच करता है और वेंचाओ से कहता है, अच्छी बात है, मुझे और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम है तो अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो वुइंग को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। वुइंग वांगजी के कान में कहता है, और गगा तुम और भी ज़्यादा सेक्सी लगते हो जब तुम इतना प्रोटेक्टिव बिहेव करते हो तो। वो आयुएन से कहता है, आयुएन अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे बाबा इतने पोजेसिव हैं तो मैं पहले ही ऐसी कोई हरकत कर लेता। वांगजी उससे कहता है, वुइंग मैं एक पोजेसिव अल्फा नहीं बनना चाहता था, अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो। वुइंग उससे कहता है, लंजा तुम पूरे सिली हो, मैं वैसी पोजेसिवनेस की बात नहीं कर रहा, तुम्हें इस तरह पोजेसिव होता हुआ देखकर मुझे और भी अच्छा लगता है, तुम और भी एडोरेबल लगते हो, मुझे तुम्हारे आसपास सेफ फील होता है अर्गगा। वांगजी उससे कहता है, मैं हमेशा तुम्हें और आयुएन को प्रोटेक्ट करके रखूँगा। वुइंग उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मुझे पता है हस्बैंड।
अब आयुएन को प्री स्कूल में एडमिशन दिलाने का समय आ गया था। फर्स्ट थिंग जो विंग और वांग जी नोटिस करते हैं, पूरे स्कूल बिल्डिंग में वो यंगेस्ट पेरेंट्स थे। 3 साल का लिटिल आयुएन उनके साथ चल रहा था। ये आयुएन के स्कूल का पहला दिन होने वाला था। आयुएन को स्कूल यूनिफॉर्म में क्लासरूम में जाता हुआ देखकर विंग ड्रामेटिकली वांग जी से कहता है, हमारा बेबी बड़ा हो गया है लंजा, अब उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। वांग जी उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, विंग वो प्री स्कूल जा रहा है, वो कॉलेज नहीं जा रहा है, वो अभी भी हमारा क्यूट बेबी ही है। विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस कल की ही बात है जब वो मेरे टमी में था। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल भी अक्सर ऐसा ही कहते हैं, वो कहते हैं कि कल ही की बात है जब मैं और ब्रदर उनके पीछे पीछे घूमा करते थे। विंग हंसते हुए कहता है, कम से कम तुम्हारे अंकल के पास एक और नया क्यूट बेबी है जो उनके आसपास घूमता रहता है। सच में तुम्हारे अंकल हमारे आयुएन के फेवरेट बन चुके हैं। वांग जी कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए, तुम्हें अपना कॉलेज वर्क भी तो करना है। विंग कहता है, ठीक है हस्बैंड, हम चलते हैं। घर जाकर मुझे अपने लिटिल बनी की बहुत याद आएगी। उस दिन जब वो दोनों वापस आते हैं अपने आयुएन को लेने के लिए, तो वो प्लेग्राउंड में खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक बीटा वुमन वहाँ आती है और उन दोनों से कहती है, तुम दोनों उस स्कूल में न्यू लग रहे हो, क्या तुम्हारे बेबी ने अभी एडमिशन लिया है? विंग कहता है, हाँ मेरा नाम विभूषण है और ये मेरा हस्बैंड वांग जी है। वांग जी कहता है, हम अपने बेटे को पिक करने के लिए आए हैं। तो वो लेडी कहती है, हम भी यहाँ अपने बेटे को पिक करने के लिए आए हुए हैं। आपका और मेरा बेटा एक ही क्लास में है, तो हो सकता है वो दोनों फ्रेंड्स हों। विंग कहता है, ये तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की हो रही थी कि मेरा बेटा फ्रेंड्स बना पाएगा या नहीं। तो वो लेडी कहती है, क्या तुम्हारा सन सोशल नहीं है? विंग कहता है, उसे कभी दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन लंजा के कजिन्स के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, शायद लान जिंगई और वो सब आपस में दोस्त बन गए होंगे। तो वो लेडी कहती है, इसका मतलब आप लान फैमिली से हैं? क्या आप मास्टर लान चिलन को जानते हैं? हाई स्कूल में वो मेरे हिस्ट्री टीचर थे। वांग जी कहता है, वो हमारे अंकल हैं। वो लेडी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो अब कैसे हैं, क्या वो अभी भी पढ़ा रहे हैं? वांग जी कहता है, वो अच्छे हैं, वो अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने टाइम थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि अब उन्हें उनके ग्रैंड नेफ्यू को बेबी सिट करना पसंद है। वो लेडी कहती है, मैं समझ गई, इसका मतलब उनकी भी एक सॉफ्ट साइड थी जो हम लोगों को नहीं पता, वरना तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। विंग कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं उनका लीस्ट फेवरेट स्टूडेंट था। वांग जी उससे कहता है, विंग तुम नहीं थे। तो विंग कहता है, हनी हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे अंकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब वो लेडी कहती है, आपने कहा कि आयुएन को कभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला, तो आप दोनों सेकंड चांस क्यों नहीं लेते हैं? विंग ब्लश करने लगता है और उससे कहता है, हम ट्राई करने वाले थे, लेकिन मैं पहले अपनी डिग्री हासिल कर लूँ। वांग जी कहता है, मैं नहीं चाहता कि विंग कॉलेज स्ट्रेस के साथ साथ प्रेगनेंसी को भी हैंडल करे, ये उसके हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए हम अभी ट्राई नहीं करना चाहते। विंग कहता है, लंजा तुम सच में कितने प्रोटेक्टिव हस्बैंड हो, मैं पहले अपना कॉलेज ही ख़त्म करूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए, उसके बाद हम आयुएन की लिटिल सिबलिंग की तैयारी करेंगे। ये देखकर वो लेडी अपने हस्बैंड से कहती है, इन्हें देखकर मुझे हमारे समय की याद आ गई, तुम्हें याद है ना हम दोनों भी ऐसे ही हुआ करते थे। तभी डोरबेल बज जाती है, लान आयुएन बाकी सारे बच्चों के साथ भागता हुआ आता है। आयुएन विंग और वांग जी के पास आकर कहता है, मामा मैंने नए दोस्त बनाए, क्या जिजेन और जिंगे भी हमारे घर चल सकते हैं हमारे क्यूट बनी से मिलने के लिए? विंग आयुएन को गोद में लेते हुए कहता है, तुमने ऑलरेडी नया दोस्त बना भी लिया? जिजेन उसी लेडी का बेटा था जो विंग और वांग जी से बातें कर रही थी, और जिंगे वांग जी के कजिन का बेटा था। आयुएन कहता है, मामा मैं जिंगी और जिजेन हम तीनों साथ में खेल रहे थे, हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। विंग कहता है, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे ह्यूमन बेस्ट फ्रेंड्स को तुम्हारे बनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने के लिए जरूर ले चलेंगे। आयुएन खुश हो जाता है। अब वांग जी आयुएन को गोद में उठाते हुए कहता है, आयुएन तुम्हारा दिन स्कूल में कैसा रहा? आयुएन कहता है, बहुत अच्छा रहा था बाबा, मुझे आपकी और मामा की याद भी नहीं आई। विंग कहता है, लंजा
हमारा बेबी सच में बहुत बड़ा हो गया है और एक ब्रेव बॉय बन गया है। आयुन उन दोनों को गले लगाते हुए कहता है, पर फिर भी मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। वुइंग हंसते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वांग जी कहता है, वुइंग अब हमें घर चलना चाहिए जिससे हम अपने बेबी से उसके स्कूल के पहले दिन के बारे में और पूछ सकें। वुइंग हाँ कर देता है और वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यही खत्म करते हैं। तो आज का ये क्यूट सा पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।